तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं राजा भाई का मशहूर हलीम जो रामपुर में बिकता है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, राजा भाई का हलीम जो बहुत अच्छा बिकता है और खाने में तो स्वादिष्ट होगा ही, लेकिन देखते हैं कैसा रहता है हमारा हिसाब किताब खाने में। बंदे यहाँ पे तो लाइन लगा के लेना पड़ रहा है, लाइन लाइन हो रखी है। मैं भी देखता हूँ अगर मुझे मिल पाता है तो। बिलिंग मेरे ख्याल से कहीं और से हो रही है, बताया जाता है बिलिंग बहुत अच्छा है। कितने रुपए प्लेट है? 40 रुपए प्लेट। खाली हलीम की बिरयानी? अच्छा, टेस्ट बताओ कैसा है? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। टेस्ट बताना फिर कैसा है। बढ़िया, इसमें दो रिव्यू कैसा है बताओ। बताओ सिम भाई, कब से खा रहे हो इनका हलीम? हलीम इनका बहुत टाइम से खा रहा है, साल इनका जब से देख रहा हूँ राजा भाई का, कम 5-6 साल से हलीम इनका देख रहा हूँ मैं। अच्छा, कैसी टूट पड़ती है इनके हलीम में? अच्छा, हलीम अच्छा होता है राजा भाई का। इससे पहले ये बब्बू भाई के थे। अच्छा, बब्बू हलीम जो मशहूर है, मशहूर जो थे, अभी अपना उन्होंने माशाल्लाह हलीम बनाना चाहते हैं। अच्छा, टेस्ट अच्छा इनका राजा भाई का। कितने साल से हैं यहाँ पे? ये कम 8-10 साल से है। 8-10 साल से तो मशहूर है इनका, मतलब इस मोहल्ले में, मोहल्ला गिरदरिया खान में, मोहल्ला गिरदरिया खान नगर पालिका शावाज गेट। अच्छा, यहाँ पे काफी पब्लिक आती है खाने? काफी पब्लिक आती है। पब्लिक देख लो आप, सरकार हर टाइम यार नहीं है भाई, अंदर को जाकर किसका हलीम खा रहे हो भाई? राजा भाई का। राजा भाई का कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा टेस्ट। कब से बनाते हुए आ रहे हैं ये? काफी टाइम से बना रहे हैं तो। अब तो पहले कहाँ बनाते थे? पहले ये यही बनाते थे। इससे पहले बब्बू भाई क्या थे? बब्बू भाई क्या बनाते थे पहले? बब्बू भाई का फेल हो गया हलीम। अच्छा जी, अब बाजार का इनका टेस्ट आ रहा है। हमने हलीम की प्लेट तैयार कर ली है अपनी खाने के लिए। इसमें हमने नींबू डाला है, प्याज डाली है और मसाला डाल रहे हैं, थोड़े चावल का भी चावल बनाए दिखाएंगे।